और खबरों के लिए TV1 इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलें। कोविड सेंटर वासी में फंसे लोगों की गुहार, हमें मुलुक जाने दो सरकार, परिजनों की जताई चिंता। यहाँ से हम लोग को गांव कैसे करके हम लोग को भेजवाएगा, हम लोग पेट भर रहा तो दिख रहा है, मेरा माँ बाप का मेरा बच्चा लोग का पेट कैसा भरेगा। चाचा मर गया तो भी हमारे को जाने नहीं दिया, फिर मेरी दादी मर गई थी तभी भी हमारे को नहीं जाने दिए। चेक करके हमारे को गांव से कर्नाटक छोड़ने की व्यवस्था कर दीजिए। कैसे विषय सलाह बनाओ आप पहुंचा दिया था। तस्वीर में दिख रहा वासी नोइम्बी का ये वही कोविड सेंटर है जहां महीने भर से क्वारंटाइन में कैद 275 लोग खुद को मुक्त करने की मांग कर रहे हैं। क्वारंटाइन किए गए लोगों में यूपी के गोरखपुर, इलाहाबाद और सिद्धार्थनगर जिलों के 110 पर प्रांति हैं, जबकि बच्चों और महिलाओं के साथ हाथ जोड़े दिख रहे बाकी लोग कर्नाटक और महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों के दिहाड़ी मजदूर हैं। 26 मार्च को मुलुक जाते हुए पुलिस ने इन्हें पकड़कर इसी कोविड सेंटर में पहुंचा दिया था जहां वे खैरात के खाने पर दिन गुजारने को मजबूर हैं। अपनी व्यथा सुनाते हुए सब यही कहते हैं कि वे तो यहां जिंदा हैं, लेकिन उन पर आश्रित माँ बाप और दूसरे परिजन गाँव में बुरी हालात में है। उन्होंने कहा कि यदि विदेशों में फंसे भारतीयों को जहाज से बुलाया जा सकता है तो फिर उन्हें अपने मुलुक भेजने में हर्ज क्या है। उन्होंने गुहार लगाई कि सरकार हमें किसी तरह अपने मुलुक भेज दिया जाए तो मेहरबानी होगी। व्यवस्था हम लोग को कुछ नहीं, व्यवस्था है खाना पीना है, मगर हम लोग को बच्चा के लिए हम लोग का उधर है, हम लोग पेट भर रहा है तो दूसरे हमारा माँ बाप का हमारा बच्चा लोग का पेट कैसा भरेगा साहब, इतना ही माफ करना। हम लोग गाँव जाने के लिए हमारा बच्चा लोग है, हम लोग गाँव पहुँचाएगा तो बस इतना ही, मेरा चेक इन हो गया, सब हो गया, हम लोग का कुछ बीमार नहीं। और रिपीट और एक बार चेकअप करने दे, चेकअप करके हम लोग कुछ बस हो दे, किसको भी हम लोग हमारा गाँव को छोड़ेगा तो बहुत शुक्रिया। कहाँ जाएंगे, रूम छोड़ दिए, वहाँ पे जाने का भी नहीं हम लोग को, यहाँ से हम लोग को गाँव कैसे करके हम लोग को भेजवाएगा। जो भाड़ा लगता है हम लोग देगा कुछ करके, उसको तकलीफी थोड़ी है सर, हमको गांव भेजने का कोशिश करिए। हम लोग पैदल कर्नाटक जाने का है, जो हम रहने को मुमरा कौसा गाँवदेव में, हम लोग मजूर आदमी है सब, जो नाके पे काम करने वाले रोजी रोटी के लिए। कौसा से चलते चलते मापा तलक आ रहे थे, मापा से जो मापा पुलिसों की MIDC में पुलिस पकड़ लिया हमारे को, तो कम से कम हमारे को कम से कम ना घर पे पहुँचे ना गांव पहुँचे, बीच में आधे रास्ते में फंस गए हम लोग। तो उसको हमारे को कोशिश करेंगे सरकार से, क्या छोटे छोटे बच्चे लोग के गर्म पानी नहीं मिलता है, थोड़ा सर्दी हो जा रहा है, क्या क्या हो रहा है, तकलीफ बहुत हो रहा है। बच्चे लोग गांव वाले फ़ोन कर रहे हैं तो उन लोग रोने लग रहे हैं, कोई उसके हमारा चाचा मर गया था, सगा चाचा मर गया तो भी हमारे को जाने नहीं दिया, फिर मेरी दादी मर गई थी तभी भी हमारे को नहीं जाने दिए। तो सरकार से हम कोशिश करते हैं, जल्द से जल्द हमारे कर्नाटक सरकार से या मोदी से गुजारिश करता हूँ, हमारे को चेक करके हमारे को गांव से कर्नाटक छोड़ने की व्यवस्था कर दीजिए, वही सुविधा है तुम्हारे से, हेल्प मांगते हैं। मैं यहाँ से 28 तारीख से यहाँ पे बसा हूँ और मेरे को यहाँ पे सुविधा सब कुछ मिल रहा है, खाने पीने सब कुछ, रहने सोना सब कुछ सुविधा यहाँ पे, लेकिन यहाँ से सुविधा हमको मिलने से अच्छा कुछ नहीं है। हमारे घर में माँ है, बाप है, बहन है, बच्चे हैं, बीवी है, हमसे ज़्यादा वो परेशान है, दिन रात वो हमारे ख्याल में रहते हैं कि हमारा बच्चा कैसा है, मेरा आदमी कैसा है। वो लोग दो का खाना खाने के लिए तो शोर हो जाता है। हम लोग हमारा आपसे एक गुजारिश है कि हमको कैसे भी सही सलाह बनाओ आप पहुँचा दिया जाए। बताना जरूरी है कि वासी के इस कोविड सेंटर में मजदूरों के खाने पीने का सारा इंतजाम एक हिंदी भाषी कारोबारी भूपेश गुप्ता द्वारा किया जा रहा है। इंटरनेट कारोबारी भूपेश गुप्ता यहाँ रोज मजदूरों के लिए सुबह का चाय नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम का भोजन उपलब्ध करा रहे हैं। भूपेश गुप्ता ने बताया कि यह इंसानियत की सेवा है और जब तक लॉकडाउन रहेगा हम यह सेवा देते रहेंगे। करीब करीब 250 लोगों को सेंटरों में रखा हुआ है। और हमारी सेवा 29 मार्च से चल रही है। हम सुबह नाश्ते से लेके दोपहर का लंच और शाम का चाय बिस्किट, अभी जो आपने देखा, और रात को फिर से डिनर, ये चार टाइम का दे रहे हैं। और उनके जो सुविधा रहने के लिए चाहिए, चादरें हैं, टॉवल्स हैं, टूथब्रश है, टूथपेस्ट है, तेल है बाल में लगाने का, और भी आइटम जो है उनको सब दिए, थाली है, चम्मच है, ग्लास है, स्टील का, वो सब हमने प्रोवाइड किया है उनको। और मन में देखो, मैं पहले से ये काम करते आया हूँ, छोटे मोटे काम करते आया हूँ समाज सेवा के, इंडिविजुअल लेवल पे करता हूँ मैं, मेरी कोई संस्था जैसी नहीं, मेरी कंपनी इंटरनेट की। मैंने देखा है बेचारे गरीब लोग यहाँ पे, इनको खाना पानी कुछ मिल नहीं रहा था, आया था मैं सुबह 29 को, तो मुझे लगा कि इनके लिए करना चाहिए।
ये जब तक ये खुलेगा लॉकडाउन, जब तक ये रहेंगे हैं, जब तक चलाएंगे। फिलहाल देखना होगा कि 3 मई तक लॉकडाउन खुलने के बाद इन मजदूरों को किस तरह उनके मुल्क भेजा जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया।